महाराष्ट्र में चले सियासी घमासान के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और फडणवीस डिप्टी सीएम बने और ऐसा लगने लगा कि ये सियासी घमासान यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिंदे और उद्धव के बीच चले सियासी घमासान के बाद फिर बात आ पहुंची कि असली शिवसेना किसकी है और तो और शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो किसका है। तो इसको लेकर शिंदे गुट और उद्धव गुट पहुंच गए चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग ने दोनों को 8 अगस्त तक की मोहलत दी कि दोनों अपने अपने दस्तावेज जो हैं वो जमा कराएं। जैसे जैसे विवाद बढ़ता जा रहा है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं उद्धव के हाथ से शिवसेना निकलती तो नहीं जा रही। इसी को लेकर हमने एक पोल लोगों के सामने रखा कि क्या उद्धव के हाथ से शिवसेना निकल रही है, और इस पोल में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी अपनी राय रखी। इस पोल में 67% लोगों ने कहा कि हाँ उद्धव के हाथ से शिवसेना निकल रही है, और वहीं 33% लोगों ने कहा कि नहीं, उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना नहीं निकल रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो पूरा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला उससे यही अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की कमान भी जा सकती है। और हम आपके सामने लोगों की राय भी रखेंगे जो पोल के दौरान लोगों ने रखी है। सबसे पहले दीपक मुकाशी लिखते हैं कि बीजेपी में शामिल होते तो बच जाते। वहीं सरताज कहते हैं कि बीजेपी वाले ईमानदार हैं, एक तरफ मन की बात और एक तरफ कानून की बात। सुहास कहते हैं कि शिवसेना खत्म हो रही है। वहीं डीके नाम के व्यक्ति कहते हैं कि शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे, मतलब साफ है कि वो एकनाथ के साथ हैं। वहीं विनोद सक्सेना कहते हैं कि भाजपा बौखलाहट में निरंतर छापेमारी करती जा रही है, हार का भय। देखा जाए तो कुछ लोग अभी भी कहीं ना कहीं उद्धव के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि जिस तरह पूरा सियासी घटनाक्रम आए दिन देखने को मिल रहा है उससे ये लग रहा है कि जल्द ही शिवसेना की कमान जो है वो उद्धव ठाकरे से छिन सकती है। और जिस तरह से पोल में लोगों ने वोट किया कि उससे ये लग रहा है कि शायद आने वाले समय में शिवसेना के हाथ से उनकी पार्टी जा सकती है। वहीं पिछले 2.5 साल से चली आ रही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार जिस तरह से गिरी है उससे ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी और भाजपा भी इंतजार में थी। बहरहाल ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि उद्धव अपनी पार्टी बचा पाते हैं या नहीं, और क्या उनसे उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह उनसे छिनता है या नहीं, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और देखा जाए तो चुनाव आयोग ने भी उनको मोहलत दी है कि जल्द से जल्द 8 अगस्त तक अपने अपने दस्तावेज जो हैं वो हमें दिखाएं और जमा कराएं, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो एकनाथ शिंदे को मिलता है या उद्धव ठाकरे को मिलता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।